कमोडिटी मार्केट की ओपनिंग होने वाली है, इसलिए सीधे चलते हैं मृत्यु जी के पास। मृत्यु जी, आज कमोडिटीज में स्पेशली क्रूड का बिहेवियर इंपॉर्टेंट होगा ओपेक की बैठक से पहले। बिल्कुल बिल्कुल दीपाली, और दुनिया भर के बाजारों की नजरें ओपेक और नॉन ओपेक की बैठक पर टिकी हुई है। वियना में आज ये बैठक होना है और माना यह जा रहा है कि जून के बाद भी उत्पादन कटौती के मुद्दे पर सहमति बन जाएगी और उसका इम्पैक्ट आपको मार्केट के ऊपर यहाँ पर दिखेगा, तो उस पर आप नज़र रखिए। इसके अलावा अगर बात करें बुलियन मार्केट की, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से रेंज बाउंड संकेत बुलियन को लेकर के मिले हैं, एक रेंज बाउंड ट्रेड वहाँ पर हो रहा है और उसका इम्पैक्ट आज आपको इंडियन मार्केट पर भी देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं जिस पर आपको नज़र रखनी चाहिए। हमारे साथ अमित सजेजा हैं मोतीलाल ओसवाल कमोडिटी के, इनसे हम जानेंगे कि आज के लिए आप किस तरह का ट्रेड कर सकते हैं और साथ ही शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए आपको कहां पर नज़र रखनी चाहिए, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन FOMC के जो मिनट्स जारी हुए हैं उसमें ये कहा गया है कि US में जून में ब्याज दरें बढ़ने की संभावना बनी हुई है। Q1 में केवल 0.7% GDP ग्रोथ की चिंताजनक है। GDP ग्रोथ में धीमापन केवल छोटी अवधि के लिए है। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर कही गई हैं FOMC मिनट्स में, इसका भी इम्पैक्ट आपको मार्केट के ऊपर दिखेगा। अमित सजेजा, आपसे मेरा पहला सवाल ये होगा कि आज के कारोबार के लिए क्रूड में किस तरह का ट्रेड आप रिकमेंड करेंगे, क्योंकि वियना में आज महत्वपूर्ण बैठक है ओपेक और नॉन ओपेक की। क्या आपको लगता है कि उस बैठक से पहले मार्केट में एक रैली का माहौल बनता हुआ दिख रहा है? अमित, ऑलरेडी तो वेरी लार्ज एक्सटेंड फैक्टर हो चुका है कि 9 महीने तक एक्सटेंड किया जा सकता है जो एग्जिस्टिंग कट है, बट अगर एक और कंट्रीज अगर ज्वाइन होती है तो क्रूड के लिए ज़्यादा बुलिश हो सकता है। फिलहाल स्ट्रक्चर भी टेक्निकली अच्छा है, 3320 से 3280 की रेंज में सपोर्ट है क्रूड को MCX पर, तो इंटरडे के लिए भी बाइंग की सलाह होगी। अपसाइड में 3380 से 90 की जोन दिख सकती है शॉर्ट टर्म में। ठीक है, माधवी मेहता भी हमारे साथ हैं कोटक कमोडिटी की सीनियर एनालिस्ट। माधवी, आपका कमेंट क्या होगा क्रूड पर ओपेक की बैठक से पहले? गुड मॉर्निंग मृत्युंजय जी, देखा जाए तो लास्ट कुछ दिनों में ऑलरेडी काफी हद तक फैक्टर इन हो चुका है, बट उसके बावजूद मुझे लगता है मार्केट एक्सपेक्टेशन काफी है कि ओपेक में एक कंसेंसस फॉर्म होगा प्रोडक्शन कट के लिए, तो मुझे लगता है वो एक पॉजिटिव फैक्टर ही रहना चाहिए। और कल का इन्वेंट्री भी एज सच लार्जली मिक्स टू पॉजिटिव ही था, तो उसके रहते हुए इंट्राडे में मुझे लगता है बाय कर चल सकते हैं। जून कॉन्ट्रैक्ट अराउंड 3325 के आसपास बाय कर सकते हैं, अपसाइड में टारगेट 3395 का रहेगा और स्टॉप लॉस 3280 का मेंटेन कर सकते हैं। गोल्ड के ऊपर अमित सजेजा आपका व्यू क्या होगा आज के कारोबार के लिए? आपके हिसाब से गोल्ड और सिल्वर में किस तरह का ट्रेड करना बेहतर रहेगा? जी देखिए, कल जो FOMC मीट था मोर लेस तो हॉकिश ही था, मार्केट ने उसको वैसे ही लिया है और जो इंटरेस्ट रेट की जो प्रोबेबिलिटी वो अभी भी 70-30% बनी हुई है। हाँ। बट इसके बावजूद हमने देखा है कि एक हायर रेंज में गोल्ड सस्टेन हो रहा है। M6 पर अगर देखें तो 28500 से 600 जोन एक सपोर्ट जोन बन चुकी है, तो आज के लिए स्पेसिफिकली थोड़ा हायर रेंज हम देख सकते हैं, इसलिए 28680-650 की जोन में बाय किया जा सकता है। अपसाइड में दोबारा हमें 28850 तक प्राइसेस रैली होते हुए दिख रहे हैं। आपका कमेंट क्या होगा माधवी आज के लिए गोल्ड के ऊपर? गोल्ड देखा जाए तो एक काफी रेंज में ट्रेड कर रहा है, 1250-1262 के आसपास बोल सकते हैं रेंज है जो हमने देखी है रीसेंट ट्रेडिंग सेशन में। FOMC के मिनट्स के बाद थोड़ा मुझे लगता है पॉजिटिव इंपैक्ट आया है, लेकिन ओवरऑल मुझे नहीं लगता कि वो आज के दिन में सस्टेन करेगा। जो हम देख रहे हैं इक्विटी मार्केट्स वगैरह काफी स्ट्रांग है और अभी भी फेड का रेट हाइक का एक्सपेक्टेशन काफी फर्म है, उसके रहते हुए इस रेंज में अपसाइड पर मैं सेल करने का ही सजेशन दूंगी। जून कॉन्ट्रैक्ट अराउंड 28800 के पास सेल कर सकते हैं, नीचे टारगेट 28650 का रहेगा और स्टॉप लॉस 28900 का मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, सिल्वर पर क्या कॉल है आपकी माधवी? चांदी में किस तरह का ट्रेड आप रिकमेंड करेंगी? सिल्वर एक्चुअली देखा जाए तो गोल्ड से आउट परफॉर्म जरूर कर रहा है, लेकिन उसमें भी मुझे लगता है इंटरनेशनली $17.3 अच्छा रेजिस्टेंस है, अगर वो नहीं ब्रेक किया इंट्राडे में थोड़ा करेक्शन आ सकता है। इसके रहते हुए आज इंट्राडे पर्सपेक्टिव से जुलाई कॉन्ट्रैक्ट सेल करने की सलाह दूंगी 40,150 के आसपास, इंट्राडे में टारगेट 39,700 का लेके चल सकते हैं और स्टॉप लॉस 40,400 का मेंटेन कर सकते हैं। ओके, आपका कमेंट अमित, मेटल मार्केट के ऊपर क्या होगा, स्पेशली आज के लिए कॉपर और लेड में किस तरह का ट्रेड आप रिकमेंड करेंगे? जी देखिए, कॉपर कल हमने देखा कि चाइना का जो रेटिंग डाउनग्रेड हुआ उसके बाद हायर रेंज में हो रहा है, 367-366 जोन के शॉर्ट टर्म अच्छे सपोर्ट्स हैं, तो जब तक ये होल्ड कर रहा है शॉर्ट टर्म बायस मुझे पॉजिटिव दिख रहा है।
फिर भी मैं डिप पे बाइंग की सलाह देना चाहूंगा 68 के आसपास। हाँ माधवी, जिंक के ऊपर क्या कॉल है आपकी, जिंक में आज क्या करना चाहिए? जिंक फंडामेंटली भी काफी बुलिश है और मुझे लगता है इंटरडे के पर्सपेक्टिव से बाय करके चल सकते हैं। 168.50 एक अच्छा लेवल है एंटर करने के लिए, अपसाइड में 170, 150, 172 का टारगेट लेके चल सकते हैं। ओके अमित, आज के लिए एग्री में सोयाबीन और टर्मरिक, आपको ये दोनों काउंटर कैसे दिख रहे हैं? देखिए पिछला जो ट्रेंड है वो जारी रखते हुए मुझे लगता है दोनों में नरमी और बढ़ सकती है। टर्मरिक स्पेसिफिकली 5150 की रेंज टेस्ट कर सकता है, 5320 के आसपास बेचना चाहिए। जहाँ तक सोयाबीन का सवाल है 2760-70 पे बेच सकते हैं 2650 के टारगेट से। ओके इसके अलावा अगर बात करें कुछ और एग्री काउंटर की, मसालों की, खास करके जीरा और टर्मरिक की, टर्मरिक पर जैसा कि आपने बताया लेकिन जीरे में भी कल तेज गिरावट आई थी, आज के कारोबार में जीरा किस तरह का ट्रेंड दिखा सकता है? जी देखिए इनिशियल पार्ट ऑफ द सेशन में हो सकता है कि ये गिरावट और गहरा सकती है, 17,300 तक हमें दिख सकती है स्लिप होते हुए प्राइसेस, बट वहां से फिर मैं बाइंग की सलाह देना चाहूंगा तो लिमिटेड डाउनसाइड होगा यहां से। ओके और कैस्टर के ऊपर क्या व्यू है आपका अमित? देखिए कैस्टर मेरे ख्याल से जो हमें गिरावट दिख रही है कुछ पिछले टाइम से वो और गिरा सकती है और हमें 1-1.5% की और गिरावट हो सकती है, सेलोन वैल्यूज की सलाह होगी कैस्टर सीड में। ठीक है चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अमित सजेजा आपका और माधवी मेहता आपका हमसे जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज कहां पर कमाई के मौके होने वाले हैं।